धीरेन्द्र जी का रुख करूं, एलजेपी के नेता है हमारे साथ और धीरेन्द्र जी की जो पार्टी है वो इस बिल के समर्थन में, लेकिन साथ ही साथ धीरेन्द्र जी की पार्टी की तरफ से ये भी साफ किया गया जो चिराग पासवान की मंशा सामने निकल कर आई कि साहब अगर इस कमेटी को भेजने की बात आए तो फिर वो होना चाहिए। धीरेन्द्र जी यही आपकी पार्टी का स्टैंड और सही हुआ आज कमेटी के पास रेफर कर दिया गया इस अमेंडमेंट को? रुमाना जी ये सारे स्टेक होल्डर को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो ये फैसले लिए जा रहे हैं उससे मुस्लिम समाज को क्या फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि उन लोगों का जितना भला हो सके उतना भला हो नहीं रहा है, लेकिन जानकारी पूरी चाहिए हर एक स्टेक होल्डर के पास। अपना अगर कोई आपत्ति होगा तो वहाँ पे भी वो अपने चेयरमैन के पास उसको दर्ज कर सकेंगे। एक बार जब तक पूरी जानकारी नहीं हो जाती हम लोगों को तब तक से कैसे एकदम से बोल सकते हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि उसका हक जो गुर्बत में रह रहे हैं लोग उनको पूरा मिलना चाहिए। जितना बोर्ड के पास में संपत्ति है उसके हिसाब से अगर उनके गुर्बत में जी रहे हैं लोग और उनको अगर उसका नहीं मिल रहा है हक तो ये सरकार को भी देखना चाहिए और देखना पड़ता है। अगर और ये संशोधन अगर हो रहा है तो इससे पहले 1995 में भी तो हुआ है ना, अगर इसके बाद अगर इसमें हम लोग देख रहे हैं कि नहीं अल्पसंख्यक समाज के लोगों के पास इतनी बड़ी संपत्ति जिन्होंने वक्फ किया हो, उनके औलाद को भी दो तरह के वक्फ होते हैं आपको तो पता ही है रुमाना जी, उनके औलाद को भी उतना नहीं जा पा रहा है, कुछ लोग वहाँ पे भी बैठ करके और उनके हक को भी लेना चाह रहे हैं और गरीब लोगों के भी हक लेना चाह रहे हैं। तो अगर उनके भलाई के लिए कुछ सरकार अच्छा सोच रही है, इस संपत्ति के लाभ में कोई और आदमी हिस्सेदार होगा ये बात तो बिल्कुल ही नहीं है, सही बात। लेकिन उनको कैसे हम लोग और बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि चीजें हमारे पास है, लेकिन अगर उसको सही रेगुलेट करके मॉनिटर करके अगर उनके गुर्बत में रह रहे लोगों तक अगर पहुंचाई जाए, अगर बात इतनी है तो ये तो विरोध लायक बात मुझे नहीं अभी लगता। लेकिन फिर भी आपकी पार्टी हमारे पार्टी का स्टैंड लिया और साथ ही साथ टीडीपी जो एनडीए में एक और सहयोगी दल है उसने जिस तरीके का स्टैंड लिया इसके बाद सरकार जो है वो मध्यमार्गी बनती हुई नजर आई और वो बड़ा जो अमेंडमेंट वक्फ बोर्ड कानून में सरकार लेकर आने वाली थी उसको संशोधन जो कानून था उसको भेजा गया जॉइंट कमेटी के पास, ठीक है ना। मैं जल्दी से तस्लीम रहमानी साहब का रुख करती हूँ, लेकिन तस्लीम रहमानी साहब यहाँ पर जो बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से भी मुन्ना जी भी कह रहे थे कि साहब देखिए सुधार की गुंजाइश तो है ना, ठीक है सबके साथ सहमति बनाकर, तो फिर सुधार को लेकर आप लोगों की तरफ से क्यों सुझाव नहीं दिए जाते सर? ये आप लोग चाहते ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड और इसकी जो मनमानियां हैं इसकी जो कारगुजारियां हैं उस पर लगाम लगे। तस्लीम रहमानी, देखिए सबसे पहले तो मैं खैर मकदम करता हूं कि इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट ज्वाइंट कमेटी के पास भेज दिया गया। मुझे उम्मीद है कि जिन चीजों पर एतराजात हैं वहाँ पर यह कमेटी उस पर संशोधन करके और दूसरा एक नया बिल पेश करेगी। इसके साथ इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी अपोजिशन का भी और जो एनडीए के एलाइज हैं जिन्होंने ये दबाव बनाया और जिनकी वजह से ये ज्वाइंट कमेटी के पास, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुसलमानों के सेंटीमेंट्स को समझा है और उसको उन्होंने मिरर आउट किया है गवर्नमेंट के सामने और गवर्नमेंट झुकी है उनकी बात के सामने, मैं शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात ये कि जी ने हाथ जोड़कर आप जो शुक्रिया अदा कर रहे हैं उसको स्वीकार किया है अभी अभी टेलीविजन स्क्रीन पर, आप देख नहीं पाए होंगे इसलिए मैंने बताया, उन्होंने बाकायदा हाथ जोड़कर आप जो शुक्रिया अदा कर रहे थे उसको कबूल किया है। मैंने कहा बता दूं मैं ताकि सैयद जफर इस्लाम साहब भी सुन लें, जो मैंने पहला सवाल पूछा था ना कि नंबर की वजह से लटक गया क्या मामला, जफर इस्लाम साहब आपने जवाब नहीं दिया लेकिन यहाँ पर बहुत तस्वीर क्लियर हो रही है। ठीक है रहमानी साहब अपनी बात पूरी कीजिए। अभी अभी आगे मैं दूसरा मैं कहना चाहता था अमेंडमेंट की ज़रूरत है, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। वक्फ में करप्शन बेताशा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वक्फ की ज़मीनें चंद माफिया लोगों के हाथों में चली जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वक्फ की ज़मीनों पर खुद सरकारें स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कब्जा कर लेती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन और जो कुछ दिया गया है, मैं पूरे वक्फ का जो बिल आया है मैं इसे खारिज पूरे तौर पर नहीं करता। 44 अमेंडमेंट में से 3 या 4 चीज़ें हैं जिन पर एतराज़ की गुंजाइश है और है पूरा बहुत बड़ा है, छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा एतराज़ है। एक तो ये जो अभी वारिस पठान भी कह रहे थे जी, और जो वारिस पठान भी कह रहे थे और पार्लियामेंट में भी वो डिस्कशन में आए कि जो एक रिलीजियस एंडोमेंट है
तो वो जिस रिलीजियस कम्युनिटी का भी है, वो माइनॉरिटी है मेजॉरिटी है, उसको वही लोग मैनेज करते हैं, ये कन्वेंशन भी है और ये लॉ भी है। तो बोर्ड के सदस्यों में गैर मुस्लिम को जगह देने का प्रावधान जो किया गया है इसमें, उस पर आपने आपत्ति जताई। दूसरा पॉइंट सर जी, दूसरा पॉइंट ये कि आप जो सेक्शन 40 को बिल्कुल ही वो उसको अमेंड कर सकते हैं, उसे रिपील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि आप जो है वक्फ के लोगों को कोई इख्तियार ही नहीं देना चाहते, वक्फ बोर्ड को उसको बिल्कुल बेख्तियार किए दे रहे हैं कि वो किसी भी अपनी प्रॉपर्टी को कहीं क्लेम कर सके, आप उस इख्तियार को ही ख़त्म किए दे रहे हैं 40 के तहत। और तीसरा आप ये कि आप उसको जो है मुझे अभी इस वक्त जहन में नहीं रहा, लेकिन मैं जफर इस्लाम साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि इसे गरीबों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, हाँ। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या प्रोविजन है बिल में, जरा मुझे वो प्रोविजन गिल के बता दीजिए, हाँ। जिसके जरिए यह मालूम हो सके कि वक्फ की ये प्रॉपर्टी अब गरीबों के इस्तेमाल में आएगी। आप एक डीएम को दे रहे हैं, हाँ। तीसरा ये कह रहा था कि जो इख्तियार आपने इस बिल में दिए हैं उसका नतीजा ये होगा कि हमने देखा है 1995 के बिल के तहत भी जो कानून अभी है, इस मुरव्वज कानून के बावजूद हमने देखा है कि एक डीएम ने, अखिलेश जी ने इशारा किया, मैं वाजे तौर पे उस बात को कह देता हूँ, एक डीएम ने फैजाबाद के एक फैसला लिया, बाबरी मस्जिद वक्फ बोर्ड की जायदाद थी, उसने एक फैसला लिया, तो 1948 में लिए गए फैसला 2019 तक इस मुल्क में इंकलाब बपा कर दिया उस डीएम के एक फैसले ने। आज 14 एकड़ जमीन कब्रिस्तान कमेटी की दिल्ली में रिंग रोड पे, आज उस पे महात्मा बुद्ध का मुजस्मा लगा हुआ है, मिलेनियम पार्क बना हुआ है, 350 प्रॉपर्टी, इसी के बावजूद 123 प्रॉपर्टी उनमें से वो है जिसपे VHP का दावा है। आप ये फैला रहे भ्रम के ट्रिब्यूनल के आगे कुछ नहीं है, हाईकोर्ट फैसला कर चुका है वक्फ की जमीन है वक्फ को दो, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर नहीं हो पा रही, 123 प्रॉपर्टी पे VHP का दावा है। तो अगर ये बिल पास हो गया तो ये जो 8.5 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज हैं पूरे मुल्क में, आप यकीन कीजिए रोमाना जी, अगले 6 महीने में यही VHP, RSS, बजरंग दल और खुद गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड में DM के यहाँ मुकदमे करेगी और सारी प्रॉपर्टी बाबरी मस्जिद की तरह सबके हाथों से निकल जाएगी। मैं सीधी बात देंगे ना सैयद जफर इस्लाम साहब, सुन रहे हैं वो सबके पॉइंट। ABP News, आपको रखे आगे।